जिंदगी हम तेरे दागों से रहे शर्मिंदा, और तू है कि सदा आईना खाने मांगे, कोई खुदा किसी को सौंप के जाए लंदन, और लंदन कोई जाने के बहाने मांगे। वाह। गोरी का साजन साजन की गोरी, रूज पर है मुनाफा खोरी, बरसों से है यही वतीरा, रमजान से पहले कर लेते हैं जखीरा। हुकूमत क्यों नहीं एक्शन ले रही, अब तशरीफ ला रहे वाजे चौधरी। बरकत महीने में आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, क्या है जो आपने जेब तन किया हुआ है गर्दन के? माशाल्लाह, ये बेब बांध दी है सर इन्होंने, बेब। हाँ। अच्छा, अब वो शरबत पीते हैं तो वो गिरता है ना। नहीं मगर ये बड़ा जबरदस्त लग रहा है इनका जो जोड़ा है, और आप भी आज बड़ी कोऑर्डिनेशन में हैं, मतलब आप दोनों ने कोऑर्डिनेशन की हुई है। अस नंगे पिंडे बैठे हैं माशाल्लाह, ये दोनों साहिबान ने भी आज कलर कोऑर्डिनेशन की हुई है बड़ी अच्छी जी माशाल्लाह। कैसर भैया साहब ने, और माशाल्लाह आपको बीच में क्या तकलीफ है? इन्होंने ना स्त्री नहीं है किसी पाई ना, फिर उल्टी करके पाई है इन्होंने। कैसर भैया जी, मैं शादी से पहले और शादी के बाद की जिंदगी पे जरा रोशनी डालिए। बड़े से आप पे ने सर, मैं वही सुनना चाहता हूँ। यकीन करो, शादी तो पहले ना मसलन जवान लड़का मसलन किसी ब्याह से जाके शादी से जाके दूल्हे नु कह रहा हुंदा है मेरे लिए दुआ करना, मेरे भी शादी है जे। तो जो उसकी शादी होती फिर किसी ब्याह से जाके तो दूल्हे नु कह रहा हुंदा ओ ये भी टाइम ही नस जा। शादी तो पहला यकीन करो, मैं इंज लगता है मैं कहे परस्तान दे विच फिर आए। शादी तो बाद इंज लगता किसे कब्रस्तान च फिर। शादी से पहले जो लड़का होता है ना जी, लड़की का नाम खून से लिखता है। अल्लाह। और शादी तो बाद उसे कुड़ी नु कहने मैं तेरा खून पी जा। वैसे भाई यकीन करो, शादी तो बोले बंदा इंज लग रहा है जिस तरह टच मोबाइल है। हाँ। शू, शू। तो शादी तो बाद 33-10 भी बुरा हाल हो जाता है। सर शादी तो पहला मेरी बेगम ना मेरी तस्वीर सहेलियां नूं वखांदी सी, मेरा सिर उदों वी इंजदा ही। अच्छा। माशाल्लाह। ओ जिहड़ा इंग्लिश हीरो विन डीजल जी जी कहिंदी ऐ देखो विन डीजल दा मिलदी ना शक्ल। शादी तो बाद के ओह ना सहेलियां नूं कहण डई हुंदी ऐ टकले नूं अज घर आ लैंदे सारे कपड़े धो। नीचे पे बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर और साथ ही साथ पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं फॉर लाइव स्टॉक, जनाब राना शहबाज अहमद। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हुई हैं मॉडल एक्टर मोहतरमा यशमा गिल। माशाल्लाह जी, आज दोनों मेहमान ही बड़े खास हैं। बिल्कुल। और आज मैं एक स्पेशल शेर लाया हूं जी आपके लिए। सोचता हूँ कि वो सच बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, सोचता हूँ कि वो सच बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, जिनके सब झूठ कयामत का असर रखते हैं। वाह। और भांप ही लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया। अच्छा। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। मर्जी वजारत बदलो आटा पेट्रोल ते दवाई दा की करना जे, जिन्नियां मर्जी वजारत बदलो आटा पेट्रोल ते दवाई दा की करना जे, बाकी दियां गल्लां सारियां छड्डो ए महंगाई दा की करना जे। शाबाश लड़के, शाबाश। इतनी प्यारी लड़की बैठी मेरे सामने, लेकिन शेर मेरा शहबाज भाई के लिए। क्या बात, क्योंकि माशाल्लाह फैसलाबाद से ये पढ़े हैं तो इनके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। वो भी मर मर के जी रहा होगा, वाह हाय मेरा ये वहम क्यों नहीं, क्यों नहीं जाता। अवाम महंगाई से बिलक रही है, खान साहब को तर्स क्यों नहीं आता। आए।
राणा शहबाज साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी, सब खैरियत से हैं। बिल्कुल ठीक सर, शो देखा हुआ है आपने? जी बिल्कुल देखा हुआ है। और आपको अंदाजा है? जी जी, सानू इन्हां दा अंदाजा नहीं सी, नहीं तो सोफा वड्डा ले आने जी। अभी उनको बैठे हुए सिर्फ 5 सेकंड हुए होंगे और आप शुरू हो गए। अच्छा वासे भाई, यकीन करो मैं बैठा ना कुर्सी ते, इजी है ये सोफे ते बैठे ने ना, तो सोफा करता हूँ। बात सुनिए आराम से। अच्छा जी सर, राणा साहब अंदाजा है ना, वरना हो गया होगा। बिल्कुल जी हो गया। ठीक है। यशमा क्या हाल है आपके? ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने बड़ा वजन रिड्यूस कर लिया है। अच्छा, थैंक यू सो मच, यू जस्ट मेड माय डे। हैं? अच्छा, इतनी आसानी से दिन बन गया आपका? मतलब खुशी हुई सुनके। ये कैसे किया पहले ये बताइए? मेहनत की बहुत। क्या मेहनत की आपने? जिम में बहुत मेहनत की, खाना थोड़ा कम खाया। खाना कम खाया और जिम में मेहनत की। राणा साहब दसो, क्या आपने किसी ने कहा ये? नहीं, किसी ने कहा नहीं, बस खुद मुझे ऐसा लगता था कि आई नीड। आपको खुद ऐसा क्यों लगा? Everybody wants to, you know, get better with time. तो अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि जितना ख्याल रखूंगी उतना अच्छा है। आप एग्री कर रहे हैं राणा साहब इनकी बातों से? इनकी बातों से मैं एग्री कर रहा हूँ। अगर आप मुझे कहें तो मैं इनको भी एक शेर सुना ना। अरे प्लीज, बैठा है चौबारे पर ठंडी आहें बरता है। बैठा है चौबारे पर ठंडी आहें बरता है, इनसे तो बेहतर है चंगा ही कुछ करता है, कुछ ना कुछ तो करता है। दरअसल रस्ते ही तुहानू सही याद सी, इत्थे आ गए। चंगा ही तो करता है, कुछ ना कुछ तो करता है जी, इनसे तो चंगा। मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2006 में। अच्छा, 8-9 ऑपरेशन हुए थे। ठीक है, उसकी वजह से मेरा वजन बढ़ गया। ठीक है, लिंक होते हैं जो ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप इधर हैं और ये लूंबड़ होते हैं, उनका वजन एक जैसा रहता है, बाकी सब। बंदर, लूंबड़ और चीता, जरा दुरुस्त कर लें किरला। आपके चाहे शहर से हैं वो, ठीक है, और आपका ताल्लुक एक फैसलाबाद का उनसे है, कैसरपिया साहब, लेकिन आप इस चीज को मलूजे खाते रखें कि इस वक्त उनके साथ यशमा गिल बैठी हुई हैं, तो उनका भी एक इमेज उनके ऊपर भी पड़ रहा है। यशमा तो प्यारी हैं, तो आप उनके सामने राणा साहब के साथ इस तरह के मजाक किए जा रहे, क्या इंप्रेशन पड़ेगा? राणा साहब ऐसे लगता है कि लो यशमा ने गीजर लगवाया खुदा दी। यार कैसे राणा साहब तो एक दिन अपनी छत पे चढ़े, पूरे महल्ले ने रौला पाता और राणा ने डिश लवा ली। अगर राणा साहब, ये क्या हो रहा है आपके साथ? सर बस ये हमारे भाई हैं, ये कोई सेहतमंद आदमी देखते हैं तो खुशी से इनसे रहा नहीं जाता। मगर बिसाइड्स द सेहत, देखें एक और चीज़ जो कि एक बड़ी काबिल दीद चीज़ है, मस्ट एडमायर दैट, कि एक बड़ी एक सुर्खी है माशाल्लाह जो कि आपके चेहरे पे एक है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेजेंटनेस। क्यों यशमा, आप एग्री करेंगी इस बात से? या देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। एग्जैक्टली, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेजेंटनेस। एक लाल लाल आपके गाल माशाल्लाह, और बाल भी आपके जबरदस्त अपने ही हैं, और बड़े जबरदस्त, यू नो, वेरी गुड सेट ऑफ हेयर ऑन योर हेड। आप एग्री करेंगे इससे? हाँ जी माशाल्लाह, भाभी का मेकअप करके आए। चलो यार, ये मैक्सिमम लोगों में फंस गया हूँ यार। आप थोड़े खातून से पूछें, आप तीज को बताएं कि प्रेजेंट फेस क्या होता है, कैसे पिया साहब? मतलब इतना उनके चेहरे पे खुशी है, उनके अंदर से वो खुश होंगे ना, तो उनके चेहरे पे इतनी पॉजिटिविटी आ रही है, अच्छे इंसान होंगे तो इतना प्लेजेंट चेहरा हो। ऐसा चेहरा हो तो कैसा इंसान होता है? ये वो जो बिजली के बोर्ड नहीं लिखा था, खतरा 440 ऐसे। लेकिन आम सब प्यारे आदमी। अच्छा, ये जो सड़क पे जाते हैं उन्होंने मजा खलो जाती है, साढ़े वड्डे जा रहे हैं। राणा साहब ने तो चिड़ियाघर तो हाथी ने फोन किया, भाई मैं 2 दिन की छुट्टी से जाना, मेरी जगह पर आए। एक सेकंड, आपने
इससे पहले पॉलिटिशियन से इंटरेक्ट किया हुआ है? As such नहीं. As such नहीं. नहीं. तो आपको कैसा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आपका एमपीए है साथ, सिटिंग एमपीए? कैसा हमारी बैक स्टेज की बात हुई, he was very nice, very welcome. अच्छा, क्या बातें की उन्होंने बैक स्टेज? इंट्रोडक्शन कह रहे थे. क्या इन्होंने क्या कहा? मेरे काम की तारीफ कर रहे थे. मैं भी हीर के इलाके का हूँ. हाँ, तो मैंने कहा बड़े खूबसूरत इलाके से, इसका मतलब उनके काम की तारीफ की. जश्मा ने कहा अच्छा आपके काम की तारीफ भी की उन्होंने? हाँ जी. अच्छा, देखा हुआ है? देखा हुआ है जी जी. कहाँ देखा? ये टीवी पर प्रोग्राम इनका आता था ना, तो जिसमें इन्होंने खुदकुशी की थी. अच्छा अच्छा जी जी. यशमा ने तुम पूछा कि सिक्स पैक कितों बनाए तुम? मगर ये बताएं कि आपको याद है कि यशमा ने उस ड्रामे में खुदकुशी की थी? जी जी. तो आपको क्या कोई दुख है उस बात का कि उन्होंने क्यों की थी? नहीं जी नहीं, मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगा. अच्छा, कौन सा वाला, खुदकुशी वाला या एक्टिंग वाला? नहीं, पूरा एक्टिंग का काम इनका. अच्छा, तो आपने उसके बारे में इनसे डिस्कस किया? जी जी. और क्या बात की? बस ये हमारी बहन जो कराची से आई है. कौन सी वाली? ये कराची से. ये जो आपकी बहन कराची से आई है, तो ये इधर से अच्छे ख्याल लेकर जाएं, क्योंकि बुरे ख्वाब भी डराते हैं. लेकिन झंग के विच बड़े मशहूर ने, यकीन करो. उत्थे कोई वजन करने वाली मशीन नहीं रखता. क्यों? ये वजन करने वाली मशीन पे चढ़े तो पर्ची निकल जाए. कल्ले कल्ले चढ़ो भाई, खुदा का. वहां मशीन नहीं होती, वहां पर कंडा सिस्टम होता है. ये ट्रैक्टर ही चढ़ते रहे होते. जमाने के यारो चलन है निराले, कोई भूख कसोले कोई ज्यादा खाले, कोई पार्टी अपनी पर परते डाले, को कीचड़ कोई दूसरों पे उछाले, जिसे मौका मिलता है वो लूट खा ले, मेरे मुल्क को कौन डीजे संभाले. हमारे साथ क्या है आपके साथ? वो जो लड़की जाते ना वोट मंगने ते जुगतां कर देने ते औरतां के नहीं कूलर जिया कि नहीं गल्ला कर रहा. वेलकम बैक टू मुज़ाकरात. राणा साहब, ये जो आपकी मजाक की जो सिफ्त है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या आम लाइफ के अंदर भी इसी तरह चलता है? मैं असल में ना जी फैसलाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हूँ, डीपीएस में पढ़ा हूँ, तो मैं सारे इन लोगों में रहा हुआ हूँ. अच्छा, तो फैसलाबाद के लोग वैसे ही बड़े दिलचस्प होते हैं. बिल्कुल. तो मैं जंग में जब जाता हूँ ना, तो लोग मुझे ज्यादा फैसलाबाद का समझते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ उधर पढ़ने गया था, हूँ तो महमदपुर सियाल का, लेकिन मुझे लोग कई समझते हैं फैसलाबाद का. एक बड़ी जबरदस्त ट्रेट है ना यशमा, यू डोंट फाइंड पीपल हु आर सो जोवियल एंड सो माशाल्लाह हैप्पी गो लकी. हिज ह्यूमर इज रियली नाइस. हिज ह्यूमर इज रियली नाइस ना. मैं तो उनको कह रही थी आपको वहां होना चाहिए. इन्होंने मशवरा कर लिया, कर लिया दोनों ने, पहले इनसे सुन ले. नहीं नहीं, ऐसी कोई गल नहीं. हो तो वैसे पूछ रहे कि शादी हुई कि नहीं, तू बैंड लेके जाना. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है यशमा ने, कि आपके ख्याल में इनको वहां होना चाहिए. मतलब कि I was complimenting him, कि इनका ह्यूमर इतना अच्छा है. बात है, देखिए वैसे इस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिलते रहते हैं शहबाज साहब आपको? जी इंशाल्लाह जरूर मिलते रहते हैं, क्योंकि पंजाब असेंबली में रहना है तो ऐसे मामला. पंजाब असेंबली में आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट कौन देता है? क्यों नहीं उधर. हाँ, 33% जो उनकी है हमारे साथ. क्या है आपके साथ? वो जो लड़की जो जाते ना वोट मंगने ते जुगतां कर देने ते औरतां के नहीं आ कूलर जिया कि नहीं गल्ला कर रहा. मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया कि खवातीन आपको इस तरह कॉम्प्लीमेंट्स देती हैं. कोई रेस्टोरेंट में बैठे हुए खातून आपको दूर से देख के कहें वाह वाह वाह. दिल में तो कहती होंगी इतना खूबसूरत है, हैंडसम, पता नहीं किधर से आया है. आपके ख्याल में दिल में खवातीन आपको देख के कॉम्प्लीमेंट्स देती हैं? आई थिंक द पॉजिटिविटी इज देयर बिकॉज़ ऑफ ऑप्टिमिज्म. ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिज्म, मगर क्या ऐसा है कि आप दिल में और कॉम्प्लीमेंट्स दे रही हैं इनको इस वक्त? नो, आई एम बहुत डाउन टू अर्थ हैं, तो मतलब एक अच्छा इंप्रेशन. मगर वैसे बड़ा, आपकी शादी हुई हुई है? जी शादी हुई. माशाल्लाह, कितना अरसा हो गया? 19 साल हो गए. भाभी को ये बात पता है कि आप ही समझते हैं कि आपको खवातीन दिल में कॉम्प्लीमेंट्स दे रही हैं? नहीं नहीं. तो अब आप पता चल गई, तो अब क्या होगा? वो समझदार खातून है. कितने के समझदार होंगे तो ना शादी कर ली. यशमा, क्लिनिकल साइकोलॉजी आपने पढ़ी हुई है जी, उसको प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही? प्लान तो मेरा यही था कि मैं वापस आके प्रैक्टिस करूंगी, बट देन मैंने पीएनएस शिफा में कराची में थोड़े टाइम के लिए प्रैक्टिस की, फिर साथ में ऑफिस आना शुरू हो गए, एंड देन आई थिंक एक्टिंग एक फुल टाइम जॉब है, उसके साथ आप कुछ और लेके चल नहीं पाते हो. दोस्तों पे अप्लाई करती रहती हूं. अपने दोस्तों पे अप्लाई करती है ना, यानी कि अच्छा मैं अपने आप पे, घर वालों पे. तो आपने क्या एनालाइज किया है यहां बताइए? किस पे फोकस करें? इन पे एनालॉजी बताइए क्या बनती है? दिल की बात आंखों में आंखें डाल के की जाए. उनसे बात करनी पड़ेगी, ऐसे देख करके. मैं इनको कह, साइकिक तो नहीं हूं. जो उन्होंने बात की है उससे नहीं किया जा सकता. ये कहना चाह रही है कि ये एक ड्रोना ख्वाब है.
वैसे आप बात बताएं, आपको यकीन है कि आप एमपी ही हैं? मतलब कोई इसका आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह है? जी जी एमपीए कह के नहीं पकड़ असली भी अपने इलाके के एमपीए ही हैं इजी हो जाएगा जोक साइड मगर सर तरीके इंसाफ से खुश हैं जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बुज़दार साहब से भी खुश हैं बहुत अच्छे हैं अच्छा हमारे जनूबी पंजाब के लिए खासकर बहुत अच्छे हैं पहले लाहौर वाले कभी हमें पूछते नहीं थे कभी हमारे इलाके को इन्होंने अब बहुत ज़्यादा जनूबी पंजाब की तरफ तवज्जो दी है हर वक्त उनसे मिल सकते हैं तो जो हमारे काम वगैरह जो मसाइल हैं वो हल कर रहे हैं बहुत अच्छे अच्छा हल हो रहे हैं जी बहुत और महंगाई के बारे में क्या कहेंगे इंग्लैंड में भी 8 pounds कीमत पेट्रोल की बढ़ी है क्योंकि प्राइसेस हाई हो गई हैं ये मसाइल तो जब कीमतें बढ़ेंगी तो कुछ ना कुछ तो लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा करीदा जी बर्दाश्त और किन्ना को करिए मैं 400 rupees बचाया इतने पेट्रोल का 500 rupees का पेट्रोल लगने मैं 100 rupees रक्षे वाले दे के लत लवा के इतने लैन दे जनाब लत वजी हुई लगती है जड़ी लिफ्ट तो आयो बंद हो गई खराब हो गई उन्हें कहता मैं जड़ी शायद उत्ते छड़ गई इस तो बाद मेरे को नहीं चलिया जाता बड़े अच्छे लोग ने यू नो मेरे हमसाय ने मेरी बड़ी हेल्प की बट बद किस्मती की हुई है और राती लैट ने 5-6 tapakke खादे ने मेरा UPS फ्लॉप हो गया अच्छा उड़ गया बल्ले ही नहीं पिया यूपीएस हैज बीन डेड ओके ते ओ मेनू मेरे नेबर ने मेनू मशवरा दिता है उन्हें कहा सोलर पैनल लुआ ले सारी जिंदगी दी टेंशन खमत हो जाएगी खत्म हो जाएगी खत्म हो जाएगी सो यू नो आई वेंट टू द सोलर पैनल ते उन्होंने कहा 25,000 दे दे अच्छा सो कुड यू प्लीज हेल्प मी जस्ट आई नीड 25,000 मेरे पास तो नहीं है सोलर पैनल लगेगा ना मैं तो भी थोड़ी थोड़ी बिजली मेरे पास नहीं है कोई पैसे सो व्हाट हैप मैं उन की करा मर जाऊं बैठे हुए हैं दिस गाय यस ओ वोटा पाओ नहीं 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 नो 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 भाई गलत है ये ओ भाई है नहीं ये नहीं है ये वो वाले नहीं है ये ये कौन ने ये दूसरे वाले ये वक्त पाउण वाले ने वोटा पाउण वाले केरी पार्टी दे ने पीटीआई ओ आई लव पीटीआई पीटीआई दे लोग बड़े अच्छे होंदे ने 5,000 ते तुहाडे वास्ते शायद कोई नहीं इत्थे केरे इलाके च मशहूर ने जंग के हैं ओ आई लव जंग सियाल रांझा महफिल से वो ओए होए होए गाने का ही वेट नहीं किया जदों आएगा इमरान करेंगे जजन बनेगा नया पाकिस्तान बनेगा नया पाकिस्तान पाकिस्तान नवा बन गया इमरान खान दी मेरे दिल च बड़ी रिस्पेक्ट है 5,000 rupees ते बाकी 20,000 मेरे अब्बे ने दे जनाब ये आपने ठीक करवाना है नया नहीं लेना नहीं यूपीएस टीचर हुआ है वो मैं लगवाना है सोलर पैनल जी जी हाँ तो भाई उन्होंने दे दिया ना जितना दे दिया था 5,000 ते पीटीआई दी जकूमत है चलो अल्लाह पाक तुहानू होर देवे थोड़ा जिहा होर दिओ यार यार मैं नेरे दे विच किस तरह बैठांगा सिर्फ फिलहाल यूपीएस सही करा लो जीरा को नहीं कोई 5,000 तुसी रख लो क्यों मैंने दुबार नवा नोट दे दे मैं चेक किया मैं कह जे नवा नोट होया ते ओ भी दे देंगे अच्छा अच्छा बात ये है अगर आपको गर्मी ज्यादा लगे ना yes. तो गर्मियों के लिए जो तरबूज होता है ना वो ठंडा होता है दिस गाय तरबूज खा लेना बड़ा गर्मा ना छेड़ना मतलब
हमें कहा इनका नया आ रहा है, तो आपने कहा कि तो देखना तो पड़ेगा। तो यशमान गिल की वजह से आप अलिफ देखेंगे? जी बिल्कुल। मुल्क ना देखना, ये ड्रामे देखे जाना। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। राणा साहब, आप ये ड्रामे वगैरह देखते हैं और म्यूजिक वगैरह का शौक भी रखते हैं, जी, जी, जी। तो यशमा के अलावा भी और लोगों के ड्रामे भी देखते हैं? जरा हमारे पास टाइम कम होता है। हाँ, बहुत कम ड्रामे देखते हैं। फिल्में वगैरह भी देखने का शौक है? नहीं, फिल्में नहीं देखते। मौसीकी वगैरह का शौक? हाँ जी, मौसीकी। किसको सुनते हैं? ये हमारे जो आबदा परवीन, अताउल्लाह इसाखेली, मंसूर मलंगी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो हमारे गढ़ महाराजा के थे। अच्छा, तो यानी कि ये राइड ऑफ परफॉर्मेंस थे। राइड ऑफ परफॉर्मेंस, बिल्कुल, जहाँ उनको भी सुनते हैं। तो यानी कि एक बड़ी एक एक्टिव किस्म की एक है इंटरेस्ट आपके, विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट। यहाँ पे जब भी लोग आके हमसे बात करते हो, ये कहते हैं नहीं जी हम तो कुछ करते नहीं, नहीं मिलता। हमारे साथ कॉलेज में पढ़ते होते राहत फतेह अली खान, अच्छा उनको भी बहुत सुनते हैं। राहत फतेह अली आपके साथ पढ़ते थे? जी जी, नुसरत फतेह अली खान को बहुत सुनते हैं। ये तो फिर कमाल ही, यानी कि सुरीले आदमी ने माशाल्लाह। अच्छा, सुरीले गाने का शौक भी है? नहीं जी, देखने का, गाने देखने का नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ। सवाल ये, जितने मैंने आपको बताया ना, ये सारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं। अच्छा, मगर आजकल ड्रामे नहीं देख पा रहे, तो कोई यशमा को अपना नया ड्रामा बताना चाहेंगे इनको जो ये देखें? अलिफ आ रहा है नया। अच्छा, अलिफ आप चाहेंगे वो देखें, तो को बताइए अलिफ के बारे में इनको। आप देखिएगा जरूर, नॉवल भी है उसकी। एंड कौन है उस ड्रामे में? हमजा अली अबासी। हमजा अबासी, ये तो आपके पीटीआई के साथ साथ चलने वाला है। ये तो आप पे वाजिब है, सपोर्टर है। बल्कि मुझे याद है जब इलेक्शन हो रहे थे तो वो बोल रहे थे कि अगर इमरान खान नहीं जीतेंगे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा कैनेडा। ड्रामा मुकम्मल हो गया और हमारा ड्रामा भी कंप्लीट हुआ था। अब आप शहबाज साहब अलिफ देखेंगे ड्रामा? जी बिल्कुल, अलिफ देखना चाहता हूँ, बेबकरी की कसम। नहीं बताइए क्यों देखेंगे आप अलिफ ड्रामा? अब आप लोग कह रहे हैं तो फिर अब देखना ही पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा, आप बताएं आप क्यों देखेंगे? क्योंकि इन्होंने अब कहा है ड्रामे का इनका नया आ रहा है, तो आपने कहा कि तो देखना तो पड़ेगा। तो यशमा गिल की वजह से आप अलिफ देखेंगे? जी बिल्कुल देखेंगे। मुल्क ना देखना, ये ड्रामे देखे जाना। मैं यार बिलावल जिद कर गया। अच्छा, कहंदा भी ईद तो बाद लॉन्ग मार्च कर। अच्छा, ते मैंनु कोई इंटेलेक्चुअल बंदा चाहिए सी। हाँ। इस वास्ते मैं तैनु कॉल की थी। ओए होए, हाँ, मैंनु इंटेलेक्चुअल क्या ने? बड़ी बात है। हाँ, काम जो है नाल। हाँ। हाँ। ते मैंनु कहंदे ने पुत्र तू सारा मैनेज करना। मैं कहा ते फिर बंदे कित्थों ले आउणे ने? हाँ। बंदे ते है नहीं। मैं कहा सर बंदे नहीं जाने। मैनु कहंदे ने ओ हेलीकॉप्टर लिया, वो जिहड़े कैमरे वाले हुंदे ने, ਜਿਹੜੇ 5,000 ਨੂੰ 35,000 ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਰੋਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰੇ 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 ਅਰੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਡਰੋਨ ਡਰੋਨ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ مشورہ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੇ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਡਰੋਨ? ਡਰੋਨ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ। ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲਿਆ ਡਾਲਾ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਭਾਗ ਗਏ ਕਿਆ? नून लीग दी तरफों इलेक्शन लड़े सन। अच्छा, माशाल्लाह हार गए। वो पहले की बात थी। आजाद उम्मीदवार। अच्छा, वो आजाद उम्मीदवार भी बड़े चलाक बंदा सी। अच्छा, इन्हां नू हरा के ते आ मुस्लिम लीग नू ने चला गया। अच्छा, ते वेखो बाद किस्मती, शेर बबर ने फिर इस साल हराया उन्हें। अच्छा, पीटीआई दी तरफों। मैं कहना ऐसे बबर शेर आदमी ते अपना कारज गेल साहिबा
कौन कार यशमा सुराज साहबा नहीं 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 यशमा गिल साहबा यस हाँ कभी बैंड कभी बराता हाँ जिस दिन मेरा विवाह होएगा किस दिन मेरा विवाह होएगा क्यों मेरा विवाह ए नले सीरियल चल रहा है आज अच्छा जी जी ए मेरा ख्याल है तुसी स्टार्ट किया था किस दिन मेरा विवाह होएगा नहीं ऐसा मैंने नहीं ये सन दे सीरियल तुसी तैयार किए सन नहीं ये वाला नहीं किया वो डॉली की आएगी बारात थी वो डॉली की बारात आराम से क्या बड़े कमाल आदमी कैमरा छोटा तो नहीं मेरा ख्याल है ते मैडम खैर नाल आए ने मेहमान है बात कर रहे हैं उनसे मेहमान तुसी कमाल वैसे बुलांदे है ना यार चुन चुन के तुसी ओही बुलांदे जेड़े मेरे फेवरेट होंदे देखो ना कुदरती गल है फोटो आ लग गया तोड़े नाल मैं सिंगल बनानी जाहिर इधर भी सिंगल आ रही तोड़े नाल पता नहीं मेरी भी आनी क्या यस देखो ना याददाश्त तो होंगी माशाल्लाह कैमरा भर गया तोड़े नाल मैं अलहदा बनानी पूछो क्यों क्यों इन्हें मैं बाद डिलीट कर दू ए मेरे फास्ट फ्रेंड है ने हाँ मेरे पुराने दौर दे यार आज तो यंग है ने जी जी हाँ अगे जाके पति की हाल होना माशाल्लाह ते इजाजत है सर सर इजाजत है लेकिन डाले ते मेनू नहीं तुसी ले जा सकदे के तो ते आप उन्होंने साइकिल दिता डाले दी ते तुसी सवारी वेलकम बैक टू मज़ाकरा जी अजीब और गरीब क्या है जी आजकल सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी अपनी सफाई का बहुत ख्याल होता है जैसे कि अमेरिका के एक ज़ू में एक रीछनी एक तालाब में नहाने के लिए गई और जाते हुए अपने साथ एक टावल ले गई और रीछनी ने तालाब में नहाते हुए खूब मौज मस्ती भी की और साथ साथ वो टावल से अपने आप को साफ भी करती रही और अपने चेहरे को भी चमकाती रही सुन लिया अब तो जानवर भी तौलिया इस्तेमाल करने लग गए हैं हाँ जी अकरम साहब हजे भी नहर ते रेगमाल इस्तेमाल कर देने वैसे रीछनी जब तौलिए से मुंह साफ कर रही होगी रीछ क्या कर रहा होगा वो परां खलोता शेव करन लिया ही अपनी रीछ अन्ना सी नाल टेंट भी कर ली उन्हें वो तो सर हमारा एक सेगमेंट है 2020 का जिसके अंदर आपसे मैं सवाल पूछूंगा और ऑप्शन साथ दूंगा उनमें से आपको अपना जवाब चूज करना है कहीं पे आपको लगे कि आप सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप हमारे जनरल नॉलेज के सेगमेंट में से सवाल उठा सकते हैं आइडिया ये है कि जवाब देना लाजिम है या इधर या फिर इधर तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा और उन्होंने आपको आगे कर दिया राणा साहब बिल्कुल ठीक है राणा साहब ये बता दीजिए खान साहब ने बुलाया प्राइम मिनिस्टर हाउस गाड़ी लेके आप निकले हैं खुद गाड़ी चला रहे हैं साथ में चार सीटें आपकी गाड़ियां बाकी हैं कौन से चार लोग होंगे जो आपकी गाड़ियां बैठ के आपके साथ जाएंगे जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं शाह महमूद कुरैशी जहांगीर तरीन चौधरी सरवर साहब असद उमर और फवाद चौधरी असद उमर साहब को फिर उतार दें उनका कद ज्यादा लंबा है तो छत में ना लगे वो उतार अच्छा असद उमर साहब आपको सिर्फ काबीना से ही नहीं गाड़ी से भी उतारना शुरू कर दिया लोगों ने ठीक है सर ये बताएं टाइटैनिक फिल्म देखी हुई आपने एक दोस्त है उन्होंने कहा जी मैंने टाइटैनिक 10 दफा देखी है अच्छा तो मैंने इसलिए नहीं देखी मैंने कहा ये बड़ी देर बाद समझ आती है तो इसको रहने देते हैं अच्छा ठीक है राव साहब ये बताइए एक लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं आप कनाडा 15-16 घंटे की फ्लाइट है आपने बिजनेस क्लास में सीट बुक करवाई हुई थी साथ वाली सीट आपके खाली थी और आप देखते हैं कुछ लोग आके खड़े हो गए और वो देख रहे हैं कि अगर राणा साहब इजाज़त दें तो हम इनके साथ यहाँ बैठ जाएं तो इनमें से किसको अपने साथ आप बिठाना चाहेंगे 14-15 घंटे के लिए जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं फैजल हसन चौहान और यशमा गिल फैजल हसन चौहान ठीक है क्यों क्योंकि वो PTI के हैं तो उनसे कोई इल्म लेंगे खातून खड़ी रहे इनको लेडीज वाली साइड पर सीट मिल जाएगी जहाज है मतलब लेडीज साइड कौन सी होती है तो जहाज में 9 नंबर वैगन समझ रहे हैं ये बताएं सर इनमें से किसके साथ डिनर की ऑफर है तो फौरन कबूल करेंगे किसके साथ डिनर की ऑफर है तो कहेंगे कि महीने बाद देखेंगे किसके साथ डिनर की ऑफर है तो फौरन ही रिजेक्ट कर देंगे ठीक है जी ऑप्शंस आपके पास हैं महविश हयात
सबा कमर और कतरीना कैफ, तो बताएं किसके साथ ऑफर है तो फौरन कबूल करेंगे। देखिए जी, रमजान में ना मैं तो इफ्तारी में फुल हो जाता हूँ, डिनर नहीं मैं करता। नहीं, ये मैं आपको बहुत अच्छा ये मैं आपको बड़ी ईद के बाद का प्रोग्राम पूछ रहा हूँ तो इसलिए आप खुल के बताएं फौरन किसके साथ डिनर की ऑफर कबूल करेंगे। कतरीना कैफ के साथ। कतरीना कैफ के साथ, ठीक है। महीने बाद किसको कहेंगे? सवा कमल के साथ। और किसको रिजेक्ट ही कर देंगे? नहीं, फिर कर लेंगे, कोई रिजेक्ट कर लेंगे किसी को नाराज नहीं करना चाहिए। सर ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपका अपना है, दूसरा आप किसी और को दे सकते हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगे, आमिर लियाकत और यशमा गिल? आपको सही बताऊं? जी, मजाक की बात नहीं है। नहीं, सही। लाइफ जैकेट पूरी नहीं आती, मैं इन दोनों को दे दूंगा, मुझे तैरना आता है। मैंने लाइफ जैकेट वो सिलवाई है जो आपके साइज के मुताबिक है, इसलिए मैंने आपकी वाली आपको पहना दी है, वो आप उतार भी दें तो किसी का फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। आपने जो दूसरी एक आम लाइफ जैकेट है वो देनी है यशमा गिल या आमिर लियाकत के दरमियान में फैसला है। वो मैं यशमा गिल को ही दूंगा। क्यों? आमिर लियाकत को डुबोना चाहते हैं आप? क्योंकि मैं उनको जानता नहीं हूँ। अच्छा, तो मैं क्योंकि इनसे जान पहचान हो गई है तो मैं इनको जरूर बचाना चाहूंगा। आखिर में यशमा, उन्होंने आपको बचा लिया, आप खुश हो। थैंक यू सो मच, हो गया, ठीक है जी। यशमा, आपकी बारी है। ये बताइए, मजबूरी के तहत आपको भी एक तस्वीर बड़ी सी ब्लो अप करा के अपने कमरे में लगानी है, बड़ा सा फ्रेम होगा उसका, किसकी होगी वो तस्वीर आपने डिसाइड करना है। जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं फवाद खान और राणा शहबाज। मजबूरी के तहत तो नहीं, मैं फवाद की लगा लूँगी, इसलिए क्योंकि वो इंस्पिरेशन है, उनसे यू नो मैं रोज सुबह उठ के देखूंगी तो मैं बोलूंगी यार आई नीड टू बी लाइक हिम, यू नो आई वांट टू बी। 6 महीने पर नाते जो भी जाया हो गया जाए। नहीं, मतलब कि यू नो सेम हम लोग फ्रेटर्निटी के हैं, तो एज एन एक्टर मैं उनको लुकअप करती हूँ, तो आप उनको लुकअप करती हैं। राणा साहब की तस्वीर आपने इसलिए नहीं लगाई, ठीक है। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार, दो लाइफ जैकेट्स आपके भी पास, एक आपका अपना, दूसरा आप किसी और को दे सकती हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी यशमा? ऑप्शंस हैं हमजा अब्बासी और राणा शहबाज। मैं इन्हीं को बचाऊंगी, इन्होंने भी मुझे बचाना था ना, तो अच्छा, राणा शहबाज को बचाना चाहती हैं, हमजा अब्बासी? हमजा आई एम श्योर बहुत अच्छे स्विमर हैं, वो अपने आप को बचा लेंगे। ये आपका ख्याल है ना, मुझे उन पे पूरा भरोसा है। मगर आपने तो राणा शहबाज बचा लिया ना, उन्होंने भी मुझे बचाया था ना, तो राणा शहबाज साहब कैसा लग रहा है आपको? बच के जिंदा महसूस कर रहे हैं, जिंदा महसूस कर रहे हैं, और खवातीन दिल में सोचती हैं कि क्या खूबसूरत आदमी है, तो आपको लग रहा है कि ये भी ऐसा ही सोच रही थी? मैं इनका शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने बचा लिया है, लेकिन ये तीनों नहीं बचने दे रहे। ये बहुत परेशान है। नहीं तो ये जैकेट पा के ले लो, असली टेंट दी सवाई है। अल्लाह दे बंदे आ, वो डूब सकते ही नहीं। क्यों? हवा तो वे के नहीं पाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शो तशरीफ लाए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। डीजे भाई आ जाए फिर।